नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमें तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग संगठनों पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। हाँ, ये बात सही है कि संगठनों ने हम सभी निवेशकों का पैसा दिलाने का झूठा वादा किया है, लेकिन जब आप लोगों को पता चल गया है सच्चाई ये है, तो आप लोग इस संगठनों से आस क्यों लगाए बैठे हैं? आप एक बार खुद सोच कर देखिए। शंभू चंद जिन्ना पृथ्वीराज यादव जी का सीनियर है और वह व्यक्ति 54 कंपनी का डायरेक्टर है, और आप देख सकते हैं कि ASO संगठन के बैनर में शंभू चंद जिन्ना का फोटो लगा हुआ है। तो साथियों, आप खुद समझिए कि ये सब हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, हमें पैसा दिलाने के लिए नहीं, सिर्फ हमारा समय बेकार करने के लिए ऐसा संगठन बनाए हुए हैं, और ये सिर्फ सत्ता को जिताना चाहते हैं। और साथियों, जब ये लोग हमें आंदोलन में बुलाते हैं तो हम निवेशकों की आड़ में ये कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम आपका पैसा ब्याज सहित दे देंगे। यानी कि साथियों, यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, हम निवेशकों की नहीं है। हमें इसमें सिर्फ फंसाया जा रहा है और हमें गुमराह किया जा रहा है ताकि हम अपना पैसा नहीं मांगे और ये भारी संख्या में और भारी वोटों से विजयी हों। तो साथियों, हम सभी निवेशकों को इतना दूर जाकर अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों, द जीरो वाले सर ने हम सभी निवेशकों का पैसा 37 दिन में दिलाने का वादा किया है, वो भी कानूनी तरीके से। बस हम निवेशकों को एक होना है, संगठित होना है, और वादा ऐसा है कि काम हमें करना पड़ेगा और रास्ता द जीरो वाले सर बताएंगे। अब साथियों, आप लोगों को चुनना है कि आपको अपना पैसा लीगल लड़ाई से चाहिए या फिर जमीन पर बैठकर कड़ी धूप में बैठकर और इन सभी आंदोलनकर्ताओं से भीख मांगकर पैसा चाहिए, या अपना पैसा हक से चाहिए, कानूनी तरीके से चाहिए, ये आप निर्धारित कीजिए और लग जाइए साथियों इस लीगल लड़ाई में द जीरो वाले सर के साथ। अब साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 11 सवालों को लेकर तैयार हो जाइए अपने सीनियर से लड़ने के लिए, और साथियों, इसी 11 सवाल में छुपा है हम सभी निवेशकों का पैसा। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि माननीय चंद्रशेखर जी की जरूरी सूचना, तो चलिए साथियों, जानते हैं कि क्या है वो सूचना। और साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर इतना कीजिएगा ताकि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की यह सूचना सभी निवेशकों तक पहुँच पाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से। आज साथियों आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। साथियों, आज जो PSEL का कस्टमर है और जो वर्कर है उसकी हालत बहुत दर्दनाक है। लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार आवाज उठाई जा रही है PSEL के पैसे के लिए। तो इसमें बातें दो तीन समझने वाली बहुत जरूरी है साथियों, कि आपको पैसा वापस क्यों नहीं मिल रहा और अभी तक पूरी प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हम बात करते हैं 3.5 लाख प्रॉपर्टियों। ये जो CBI ने प्रॉपर्टी अटैच की है, पहले 29,000 प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसके बाद ये 13,000 प्रॉपर्टी और अटैच हुई है, ये 43,000-44,000 प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अभी प्रॉपर्टी 3.5 लाख प्रॉपर्टी अटैच होनी बाकी, क्योंकि जब हम काम करते थे तो सचिदानंद त्रिपाठी जो कंपनी का AGM था, जो रिपोर्ट पेश करता था, तो कई बार उस बंदे ने ये बात बोली कि हमारी लैंड 6 लाख एकड़ है, 7 लाख एकड़ है, पूरे भारत में अब हमारी लैंड इतनी हो चुकी है। तो ये कई बार जिक्र वो अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। तो जहां तक मैं साथियों अपनी बात करता हूं कि हेड ऑफिस हम भी जाते थे, तो हेड ऑफिस में वहां पे मैंने एक आपको एक पोस्ट भेजी है, उस बंदे का नाम है KP सिंह, किरपाल सिंह शायद नाम उसका, KP सिंह उसका नाम था, और वो DM था, डेवलपमेंट मैनेजर था, बहुत पुरानी मैं बात करता हूं, जहां पे नॉर्थ वन रीजन को डेवलप करने के लिए वो बंदा आया था, और उसके बाद हेड ऑफिस में
मेरी मुलाकात उससे कई बार होती थी, तो ये उस चीज का मैं आई विटनेस हूं कि 3.5 लाख प्रॉपर्टी का डाटा मैंने उसके कंप्यूटर में देखा है और उसने मेरे को यह दिखाया, और उसने बात की थी कि अभी भी ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो मैं मेंटेन कर रहा हूं सारी। तो साथियों, बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे हमारी लीगल टीम पूरे भारत में काम कर रही है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से हमें आ रही है, डॉक्यूमेंट लगातार आ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई। तो ये संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो मैंने एक मुलाकात के लिए एक लेटर डाला था आरएम लोढ़ा कमेटी को कि मुझे मुलाकात चाहिए आपके साथ, अपॉइंटमेंट चाहिए, और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। तो उनकी एक मेल मेरे पास आई है जो मैंने आज आप सभी को सेंड भी की है। तो उन्होंने वो सीबीआई को वो लेटर लिखा है, तो उस लेटर के माध्यम से मैं जल्दी वो सारा डाटा लेकर वहां पे जा रहा हूं सीबीआई के पास, और वो प्रॉपर्टी बहुत सारी मैं अटैच करवाऊंगा वहां पे, और वहां पे मैं सीबीआई को एक एफिडेविट भी देने वाला हूं, और वो 3.5 लाख प्रॉपर्टी का मैं वहां पे जिक्र करूंगा। और वो जो लोग हैं, 2-3 लोग, केपी सिंह को वहां पे सीबीआई में पार्टी बनाऊंगा, और वो 3.5 लाख प्रॉपर्टी हम वहां पे बरामद करवाएंगे सीबीआई के माध्यम से। तो अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी ये लोग दबा के बैठे हैं या साइड पे ये प्रोजेक्टों के माध्यम से सेल कर रहे हैं, धोखे से सेल कर रहे हैं, ये वो समझते हैं कि हमें पता नहीं, लेकिन हमें सब पता है। किस दलाल के नाम पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी कॉलोनी बना रखी है, किस दलाल के नाम पे अभी भी आप प्रॉपर्टी दबा के बैठे हो, कौन कौन दलाल आपके वो प्रॉपर्टी सेल करवाने में लगे हैं, कौन कौन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके साथ मिलके वो सारा खेल खेल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे चोर सारे सामने आ जाएंगे। अभी हमने रिसेंट पठानकोट में तो ये चोर पकड़ ही लिए हैं, तो जल्दी इनके ऊपर FIR भी लॉन्च होगी, और ये काम टोटल हम सभी डिस्ट्रिक्टों में करने जा रहे हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी जो अभी तक अटैच नहीं हुई, ये सारी प्रॉपर्टी अब हमें रास्ता क्लियर नजर आ गया, हम अब उस रास्ते से सीबीआई को ये प्रॉपर्टी सारी अटैच करवाएंगे, और जितने ये धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं इन सभी के ऊपर वो मुकदमा भी हम दर्ज करवाएंगे। अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, अब इनको साथियों बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में भी एंटर होने वाले हैं, लगातार हम संपर्क में हैं, बात चल रही है, कुछ टेक्निकल 2-4 चीजें हैं जिनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जितनी जल्दी वो डाटा, वो सिस्टम हमारा क्लियर हो जाता है, उतनी जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी फाइट स्टार्ट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ निकालेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पेंडिंग है। वहां पे बात होती है बार बार पैसे की, हम वहां पे 2 बातें रखेंगे, पैसे की भी बात करेंगे और प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। हम प्रॉपर्टी की भी वहां पे बात करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी ही दे दी जाए, हम खुद सेल कर लेंगे, और ये जो प्रोसीजर है इसको हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मांग करेंगे वहां से, कि ये जो प्रोसेस है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलाया जाए, ताकि हर निवेशक को उसका पैसा भी मिल सके और उसका जो डाटा है वो भी आसानी से कलेक्ट हो सके। तो साथियों, ये लीगल प्रोसीडिंग की बात है, ये अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं, और जल्दी हम जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको भेज रहे हैं, जो आपने वो काम करना है हमारी लीगल टीम ने। तो जितने भी डिस्ट्रिक्टों में अभी तक वो लीगल टीम हमारी नहीं बनी, तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जहां जहां पल्स की प्रॉपर्टी है या जहां जहां से PACL PGF में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वहां वहां से साथियों हमें 10-10 लोगों की, 10-10 लीगल साथियों की जो पढ़े लिखे हों, उनकी जरूरत है। वो जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और 10-10 साथी
डिस्ट्रिक्ट वाइजर में अपना नाम दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ये काम अभी अधूरा है, अभी रहता है काम। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी आप हमें वो 10-10 साथियों की लिस्ट भेजे, ताकि हम आपको एक PDF फाइल भेज सकें प्रॉपर्टी की, और उसके बाद आप अपने 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 डिस्ट्रिक्ट में जितनी प्रॉपर्टी अभी तक अटैच नहीं हुई उस प्रॉपर्टी की एक लिस्ट, एक फाइल तैयार करें, वो हम तक पहुंचाएं, और हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी CBI के माध्यम से उसको अटैच करवा सके, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी को सेल करके आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल सके, और जो हमारे वर्कर साथी हैं उनको उनका मुआवजा वापस दिलवाया जा सके। जय हिंद, जय भारत साथी। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।